सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी पॉइंट है जहां पर पूरे सिस्टम या बॉडी का मास सपोज किया जाता है कि पड़ा हुआ है। जैसे हम सब क्लास में सबके मासेस डिफरेंट हैं, M1, M2, M3, M4, MN कुछ भी, और हम सब इस क्लास के अंदर हैं। कोई अगर बाहर से इस क्लास को बॉक्स की तरह उठाए और अपने फिंगर पर एडजस्ट करे तो बैलेंस कर लेता है। अगर बैलेंस कर सकता है तो हम बोलते हैं उसने सेंटर ऑफ मास पे अपने फिंगर को रखा होगा, क्योंकि सारा मास कहाँ पर पड़ा होगा, सेंटर ऑफ मास पे पड़ा होगा। लेकिन अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट अपनी पोजीशन चेंज कर ले, सारे स्टूडेंट उठ के इधर आ जाएं, तो सारा सेंटर ऑफ मास जो है वो सेंटर की बजाय कहाँ पर आ जाएगा, थोड़ा इधर आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास ज़रूरी नहीं है कि बॉडी के अंदर ही लाई करेगा, ऐसा भी हो सकता है इस पूरी क्लास का सेंटर ऑफ मास हवा में यहाँ पर कहीं हो, इमेजिनरी है, ठीक। तो ज़रूरी नहीं है कि बॉडी के अंदर ही होगा, बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है क्योंकि इमेजिनरी है। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है, सेंटर ऑफ मास इमेजिनरी पॉइंट है, वेयर होल मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज टू बी एक्टिंग। इमेजिनरी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक्चुअल में ये इसलिए किया जाता है कॉन्सेप्ट यूज ताकि इंटीग्रेशंस को अवॉइड कर सके। आपको याद है चेन वाले प्रॉब्लम, चेन वाली प्रॉब्लम कितनी छोटी प्रॉब्लम थी, और वैसे इसमें इंटीग्रेशन यूज होनी थी, पर सेंटर ऑफ मास से वो कॉन्सेप्ट सिर्फ एक लाइन का रह गया था। तो ताकि इंटीग्रेशन को अवॉइड कर सकें और क्वेश्चन की कैलकुलेशन को ईजी कर सकें और कॉन्सेप्ट को आसान बना सकें, इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसके अंदर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। तो जैसे अब हम आज के लेक्चर में ये करेंगे कि अगर इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मान लो इसका मास m1 है, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, m2, x2, y2, m3, x3, y3 करते करते mn, xn, yn, और आप मुझे कहोगे सर इस पूरी क्लास का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकाल लो क्या होगा, तो मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला देने वाला हूँ जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स के मास पुट करें, उनके कोऑर्डिनेट्स पुट करें, मैं आपको सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बता दूंगा। तो सभी पार्टिकल्स का इकट्ठा करने के बजाय पहले हम सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट किस पे करते हैं, टू पार्टिकल, दो पार्टिकल्स पे करेंगे, फिर एन पार्टिकल के रिजल्ट बना देंगे। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें ये करेंगे कि सपोज करो आपके पास दो पार्टिकल्स हैं, एक m1 है और एक m2 है, एक m1 है एक m2 है। जो m1 पार्टिकल है उसका कोऑर्डिनेट सपोज कितना है, x1, y1 है, और m2 का कितना है, x2, y2 है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, राइट? और जब मैं कोऑर्डिनेट्स बोलता हूँ x1, y1, x2, y2, तो विद रिस्पेक्ट टू क्या, ओरिजन, तो ओरिजन मैंने ये ले लिया। तो क्वेश्चन है कि अगर ये मासेस बराबर होते तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली कहाँ पर होगा, इनके मिड पॉइंट में होता, पर अगर m2 बड़ा है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, टूवर्ड्स m2 हो जाएगा। तो इसमें m2 m1 बराबर नहीं है, तो मेरे को ढूंढना है सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा x का एंड y का। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का बड़ा आसान फॉर्मूला है, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और ऐसे y कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बहुत आसान फॉर्मूला हो गया, क्या सही फॉर्मूला है, और याद करने के लिए भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, m1 x1 m2 x2 m1 प्लस m2 m1 y1 m2 y2 m1 प्लस y2। तो आप बस मुझे मासेस दो, दो पार्टिकल के m1 m2, और ये मासेस पॉइंट मासेस हैं, कोई शेप नहीं है, कोई साइज नहीं है, बस पॉइंट मासेस हैं। तो m1 m2 दो, x1 y1 दो, x2 y2 दो, तो मैं आपको क्या निकाल सकता हूँ, x सेंटर ऑफ मास एंड y सेंटर ऑफ मास। क्लियर है यहाँ तक? और अगर आप तीन पार्टिकल देते हो तो रिजल्ट 3 तक ले जाऊंगा, n देते हो तो रिजल्ट n तक ले जाऊंगा। तो यही आपका पहला टॉपिक है, क्या कि अगर आपके पास दो पार्टिकल्स हैं m1 m2 और कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2, तो आपके पास x सेंटर ऑफ मास एंड y सेंटर ऑफ मास का ये फॉर्मूला। पर कभी कभी क्या होगा, फिजिक्स में कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए होते, फिजिक्स में क्या गिवन होती है, पोजीशन वेक्टर। तो इसका पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर, और सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर r सेंटर ऑफ मास वेक्टर। तो फिर पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला m1 r1 वेक्टर, m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। तो अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो ऊपर वाला फॉर्मूला, अगर वेक्टर फॉर्म में पोजीशन वेक्टर गिवन है i कैप j कैप में तो नीचे वाला फॉर्मूला, और अगर पार्टिकल दो से ज़्यादा हैं तो ये रिजल्ट n तक आप क्या कर सकते हो, एक्सपैंड भी कर सकते हो। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? हाँ, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है ये फॉर्मूला कहाँ से आया।
तो इसकी हम क्या करेंगे, अब डेरिवेशन करेंगे कि एग्जैक्टली ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है। ठीक,